हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए प्रयोग लेकर आया हूँ बी का। बी का प्रयोग है जिससे आप अंग्रेजी के जो इंग्लिश में जो सेंटेंस हैं वो बनाना सीखते हैं और बोलना भी सीखते हैं। बी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है होना। जैसे कि किसी वाक्य के अंत में हूँ, हैं, है, था, होगा इत्यादि आदि आते हैं। जैसे इंग्लिश में आते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये इंग्लिश में आते हैं। इसी तरीके से देखिए, जैसे कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो इस तरीके से जो सेंटेंस बनता है उसे सबसे पहले हम हिंदी देखते हैं कि मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ। ये जो हूँ शब्द आया है इसकी जो इंग्लिश है वो होती है एम, आई एम हैप्पी हियर, आई एम हैप्पी हियर। उसके बाद में ही इज हीयर, तो वह यहाँ है के लिए आया है इज। अब यदि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर था होता कि वह यहाँ था तो यहाँ पर वॉज आ जाता, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाता। यदि यहाँ पर ऐसे होता कि मैं यहाँ खुश था तो फिर यहाँ पर वॉज आ जाता। इसी तरीके से देखिए कि वी आर रेडी, हम तैयार हैं के लिए आर आया है। यदि यहाँ पर हम तैयार थे आता तो यहाँ वर आ जाता। इसी तरीके से देखिए विल बी, यानी ही विल बी ए टीचर, वह एक अध्यापक होगा या बनेगा जो भी है उसके लिए आया है ये सेंटेंस। तो इसमें देखिए क्या है कि ही विल बी ए टीचर, वह एक अध्यापक होगा, फ्यूचर टेंस के लिए आया है। अब यदि ऐसे है कि हम ये कहना चाहते हैं कि वह एक अध्यापक था तो उसके लिए हो जाएगा ही वॉज ए टीचर। अब वह एक अध्यापक है तो ही इज ए टीचर। यहाँ पर ये विल बी है इसको हटाएंगे और इसी के जगह हम इनको ये ऊपर वाले जो आपको बताए गए हैं यहाँ पर कि इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनका प्रयोग हम चेंज कर करके इनको और सेंटेंस है फ्यूचर में, प्रेजेंट में और पास्ट में, तीनों में बना सकते हैं। अब मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ ये सेंटेंस है टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में देखिए कि कल सोमवार है, इसका बनाना है तो कल सोमवार है, कल सोमवार था, कल सोमवार होगा। इसी तरीके से मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी था और मैं एक विद्यार्थी होऊंगा या बनूंगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। इस तरीके से हम इनका सबके जो सेंटेंसेस है वो बना सकते हैं। ये आपके लिए टेस्ट योर सेल्फ है जो आपको अपनी तरफ से तैयार करनी है। और ये इस तरीके से पूरा जो आपके सामने बी के प्रयोग का मैं जो लेकर आया हूँ आपके सामने ये है। और मेरी आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।